ये कहते हुए दोस्तों आपने जरूर सुना होगा कि एक ना एक दिन तो ऊपर जाना ही है, लेकिन मार्केट ने बोला कि भाई मैं अनप्रेडिक्टेबल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आज मैं नीचे से ऊपर नहीं ऊपर से नीचे जाता हूँ। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे भाई जो सरप्राइज कल के दिन था, जो जैकपॉट कल के दिन था, उससे डबल आज के दिन में दिया हूँ फ्री में, वो भी मार्केट खुलने से पहले। 8:05 क्लियर कट फिन निफ्टी का ड्राइंग मेरा देख लीजिए, क्या लिखा हूं मैं ड्राइंग पे, क्लियरली ड्रॉ किया हूं कि अगर मार्केट फ्लैट खुला 23,598 के नीचे गया तो पुट बाय करो बोल के टारगेट ये रहेगा। और बैंक निफ्टी का जरा लेवल देखिए, क्लियर कट मेंशन किया था, अगर 52,504 टूटा, 521 टूटा तो भाई ये टारगेट रहेगा, और अगर ये टूटा तो 52,166 तक मार्केट जा सकता है। और क्रिस्टल क्लियर मार्केट वही हुआ दोस्तों, फिर निफ्टी में जैसे ही 9:25 पे मेरा लेवल तोड़ा, 200 पॉइंट का डाउनफॉल। बैंक निफ्टी में जैसे ही खुलते ही 9:25 पे मेरा लेवल टूटा, सेम ड्राइंग है, 1% एक पैसा का मैंने चेंज नहीं किया, सेम ड्राइंग है, तो मैं स्क्रीनशॉट मार के छाप देता हूं, डॉट लेवल ब्रेकडाउन किया। और दोस्तों 450 पॉइंट का मोमेंटम। कल के दिन वीडियो पे मैंने क्या कहा था कि दोस्तों अगर कल के दिन फिर निफ्टी आपको मीडियम गैप अप खुलता हुआ दिखा तो पहला 5 मिनट कैंडल का लो टूटते ही पुट बाय करो। यकीन नहीं होता लोगों को या फिर भूल जाते हैं, तो मैं वीडियो भी कट करके डाल दिया हूं यस्टरडे, फिन निफ्टी एनालिसिस बिल्कुल वही हुआ दोस्तों। उस एनालिसिस के हिसाब से भी 200 से 300 पॉइंट का मोमेंटम। एंड बैंक निफ्टी का कल के दिन तो बोला ही था कि गारंटी कल बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है अगर मार्केट मीडियम गैप अप भी खुला। और बैंक निफ्टी में वही स्ट्रेटेजी था, पहला 5 मिनट कैंडल का लो टूटते ही पुट बाय करो और 600 पॉइंट का मोमेंटम। तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इवन गिरते हुए मार्केट में भी दोस्तों आज के दिन जो 26,000 का मैंने कॉल दिया था अपने वाले ग्रुप पे, वो 215 से 265 हो गया, आराम से दो टारगेट हिट किया, 12,500 से ज्यादा प्रॉफिट भी करके रखे हैं। और कल के दिन दोस्तों निफ्टी मिड कैप निफ्टी फिर निफ्टी में क्या हो सकता है वो तो देखने वाले हैं। एंड आप बोलोगे भाई कल के दिन तो सबका फेवरेट बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, उसका फिर वीडियो कहां गया? मेरे भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, यही तो दिक्कत होता है। ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं यार, पहला वीडियो ही बैंक निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल रहा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और प्लीज ये वीडियो खत्म होने के बाद उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि डेली दो वीडियो डालता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही लाइक एम दूंगा जितना मैं काम देता हूं, 125 लाइक दोस्तों एम रखते हैं और आराम से कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी आपने कॉल पुट लिया है कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, और चलिए स्टार्ट करते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं दोस्तों। अगर कल के दिन निफ्टी फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुला, ये प्लान नंबर ए है दोस्तों। उसके बाद 24,056 जब तक निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक पुट बाय मत कीजिए। बहुत सारे प्लान में बनाऊंगा, थोड़ा अलग अपना व्यू लेके आया हूं। तो कल के दिन का पहला प्लान मैंने क्या बताया, अगर मार्केट फ्लैट या फिर लिटिल गैप डाउन खुलता है इसी जोन पे ही कहीं ना कहीं साइडवेज रहता है, एंड देन 26,056 आपको ब्रेक डाउन करता हुआ दिखा, बिलो 24,056 हम पुट के तरफ जाएंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सिंपल रीजन है। अगर आप देखोगे दोस्तों आज के दिन और कल के दिन दो दिन मिला के प्रॉपर सपोर्ट बना है, 26,056 से 26,075 अगर आप देखोगे दोस्तों डॉट, यहां पे सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ एंड देन निफ्टी अपसाइड का मूवमेंट चालू किया। आज के दिन इतना अच्छा खासा गिर के भी डॉट यहां पे 24,056 टू 24,075 डॉट जोन को टच किया एंड अगेन अपसाइड का मोमेंटम। तीसरी बार भी दोस्तों आज के दिन ही जैसे ही इसी जोन पे टच किया अगेन साइडवेज टू अपसाइड का मोमेंटम। तो ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट जोन नहीं है, एक प्रॉपर दोस्तों सपोर्ट जोन है जहां से क्लियरली आपको प्राइस बता रहा है कि ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन है दोस्तों। एक बार यहां से उठा, दो बार उठा, तीन बार आज के दिन ही उठ गया, तो यार ये कोई कहीं ना कहीं मजबूत सपोर्ट जोन आप कह सकते हैं, कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। तो कल के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इसी जोन पे साइडवेज हो गया, आपको 26,056 टूटता हुआ दिखा, तो ठीक है आप पुट के तरफ जा सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों प्लान नंबर ए। प्लान नंबर बी की तरफ चलते हैं, मैं बोला ना आपको बहुत सारा आज के दिन प्लान है। प्लान नंबर बी ये है कि अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के ऊपर जाता है या फिर मीडियम गैप अप खुल के ऊपर जाता है, जाने दीजिए, जैसे ही 24,183 लेवल को
टच करता है, एंड देन जैसे ही टच करता है माइंड में सीधा हमारा सेल के तरफ भी एक्टिवेट होना है, होना चाहिए। और यहां से अगर आपको लोअर लो बनता हुआ दिखा तो डेफिनेटली ये लो ब्रेक डाउन करते हैं, आप पुट के तरफ जा सकते हैं। अगर कल 24,183 को टच किया एंड यहां से आपको एक बियरिश कैंडल दिखा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका लो टूटता हुआ दिखा, देन डेफिनेटली हम पुट के तरफ जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन सिंपल है दोस्तों, क्लियर रेजिस्टेंस। आज के दिन अगर आप देखोगे निफ्टी भी गैप अप खुला, कल तो मेरा व्यू सेम ही हुआ था, निफ्टी का भी वही बोला था, गैप अप अगर खुला तो पहला 5 मिनट कैंडल का लो टूटते ही आप पुट बाय करो बोल के वही मोमेंटम दिया। होप आपने कैच किया होगा, इस बात पे यार लाइक तो बनता है। और दूसरी बात, अगर आप देखोगे मैं क्यों कहा कि 26,183 को टच करते ही माइंड पे हमारा सेल के तरफ सारा व्यू हो जाना चाहिए, इसीलिए कि आज के दिन मार्केट गैप अप खुल के यहां से तो वन साइडेड मोमेंटम दिया ही दिया डाउनफॉल, फिर सपोर्ट जोन को टच किया जो हमने प्लान ए पे अभी भी डिस्कस किया था दोस्तों, सपोर्ट जोन को टच करके अगर आप देखोगे निफ्टी इतना ऊपर भी गया, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट था यहां से ही अगर आप देखोगे निफ्टी आज के दिन इतना बड़ा फिर डाउनफॉल दे दिया। तो यहां पे आप देखिए पॉइंट ए, इसको बोल दीजिए पॉइंट बी, ओके, और यहां पे है दोस्तों पॉइंट सी, ओके। तो दोस्तों ये तीसरी बार, लाइक आप खुद देखिए यहां पे इतना बड़ा फॉल, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक अप मूव, एंड पॉइंट सी से पॉइंट डी तक अगेन फॉल। तो जो पॉइंट सी है दोस्तों, जो स्विंग आप देख रहे हैं प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है, आज के दिन ही क्रिएट हुआ है और ये रेजिस्टेंस दिन में कभी भी टच नहीं हुआ। तो कल जब फ्लैट खोल के निफ्टी इसी रेजिस्टेंस को टच करेगा पहली बार जो कि आज क्रिएट हुआ है, तो यहां से अगेन आपको फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों प्लान नंबर बी पे आपको समझ में आ गया कि जैसे ही इस जोन को टच करेगा लाइक लेवल को 26,183, हम पुट के तरफ ही जाएंगे प्राइस सेक्शन दिखने पे। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे? अब सारा ड्रॉइंग में रिमूव कर लेता हूं, थोड़ा सा अलग व्यू में देता हूं, और वो लेवल एक नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा यहां पे आपको लेवल बता देता हूं दोस्तों। एक जोन ही है बेसिकली, तो वो जोन आता है दोस्तों 26,056 से 26,070, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन है। अभी अभी तो हमने प्लान ए पे डिस्कस किया, ऊपर गया यहां पे आज के दिन सपोर्ट जोन टच करके फिर ऊपर गया, तीसरी बार टच करके ऊपर गया। तो कल के दिन अगर ये प्लान नंबर सी में बता रहा हूं, मार्केट लाइक फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुल के नीचे आता है, और हमने जो प्लान ए पे डिस्कस किया था कि भाई 26,056 टूटने के बाद पुट बाय करेंगे, वो नहीं होता है, मैं बोल रहा हूं वो नहीं होता है। और कल अगर साइडवेज टू ऐसे नीचे आता है एंड देन यहां से 26,056 से 26,070 जो दिया था मैंने लेवल, इस जोन से आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखा तो कॉल बाय करेंगे, इस जोन को टच किया यहां से हायर हाई बनता हुआ दिखा तो कॉल बाय करेंगे, यहां पे टच किया और यहां से कोई भी आपको बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखा, देन डेफिनेटली दोस्तों हम बाइंग के तरफ जाएंगे, क्योंकि यहां पे सपोर्ट है, सपोर्ट नंबर दो आज के दिन और तीसरी बार, और ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी यही बनता है कि ये कल डेफिनेटली सपोर्ट के जैसा ही काम करेगा, अगर इसके नीचे आएगा तो प्लान नंबर ए तो याद है। प्लान नंबर सी क्लियर हो गया दोस्तों? देखो तीनों प्लान हमने डिस्कस किया, प्लान नंबर ए पे हमने ये डिस्कस किया कि ब्रेकडाउन सेल करेंगे, प्लान नंबर बी पे हम डिस्कस किया कि यहां पे जाएगा तो इसी रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, एंड प्लान नंबर सी पे हमने बाइंग का देखा। प्लान नंबर डी की तरफ आते हैं, और वो है अगर मार्केट कल के दिन बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। उसका आंसर आप सबको पता है, आप सबको बताएं दोस्तों कि भाई सेल ही करना है, और न्यू क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर कल बड़ा गैप अप खुला इस जोन पे 100 पॉइंट, 130 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो भाई इस जोन पे ही खुलेगा जहां से आज के दिन मार्केट गिरा है। अब सीधा कल इस जोन पे ही अगर मार्केट गैप अप खुल जाएगा, जो भी यहां पे सेलर बैठे हैं वो कहां छोड़ने वाले, अगेन अटैक करने लग जाएंगे ये प्लेस को और मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जितने भी लोग कॉल बाय करके गए हैं वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ही, बाय साइड पोजीशन एग्जिट करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा। सो अगर गैप अप खुला तो इजी स्ट्रेटेजी, पहला 5 मिनट कैंडल का आपको लो अगर टूटता हुआ दिखा इस टाइप का आज के जैसा, देन डेफिनेटली पुट के तरफ जा सकते हैं एसएल के साथ 15-20 पॉइंट का एसएल लगा के, या फिर गैप अप खुला तो लोअर लो बना तो भी पुट बाय कर सकते हैं, या फिर एम पैटर्न बना तो भी पुट बाय कर सकते हैं। और प्लान नंबर ई की अगर मैं बात करूं, कल दोस्तों गैप डाउन आपको खुलता हुआ दिखा तो ही बाइंग के तरफ जाइए, क्योंकि प्रॉपर यहां पे एक सपोर्ट है। कल अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो यहां से डब्लू पैटर्न या फिर हायर हाई बनते हैं, हम कॉल के तरफ जाएंगे। 26,117 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों
निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर ये पुट राइटर, और 26,117 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया है। 24,150 पे 5 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, 24,200 पे 11 लाख से ज्यादा कॉल राइटर, तो क्लियर ये हो गया। सो अबव 24,200 हम बाइंग के तरफ जाएंगे, क्योंकि 11 लाख से ज्यादा दोस्तों कॉल राइटर बैठे हैं। और नीचे की अगर मैं बात करूं, कहीं पे भी कुछ खास पुट राइटिंग नहीं दिख रहे हैं। इवन 26,000 एक राउंड लेवल होते हुए भी -30,000 पुट राइटर भागे हैं, तो नीचे पुट राइटर दोस्तों ना के बराबर हैं। तो कल के दिन बिलो 24,000 आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगा। अब चले जाते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी की अगर मैं बात करूं, पहला व्यू मैं अपना देना चाहता हूं सेलिंग की तरफ। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के साइडवेज होके 12,144 बिलो पुट के तरफ जाएंगे, रीजन बहुत सिंपल है। एक बार यहां पे सपोर्ट लिया एंड देन अपसाइड का मोमेंटम, दूसरी बार यहां पे आज के दिन सपोर्ट लिया एंड देन अपसाइड का मोमेंटम, कल अगर इसी जोन पे ही कंसोलिडेट किया एंड देन ब्रेकडाउन कर देगा ये सपोर्ट को, तो पुट के तरफ जाएंगे। प्लान नंबर बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूं। और प्लान नंबर बी ये है कि पहले मैं आपको एक ड्राइंग समझा देता हूं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं, आप जरा ध्यान से देखिए। मैं ये ड्राइंग भी रिमूव कर लेता हूं, यहां पे देखिए ग्रीन कलर का मैं इनसाइड एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूं। आपको ये ट्रेंड लाइन पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, यहां पे क्या दिख रहा है कि भाई ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। करेक्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में मिड कैप निफ्टी को जरा देखिए, ये ट्रेंड लाइन पहली बार टच हुआ अपसाइड का मोमेंटम किया, दूसरी बार टच हुआ अपसाइड का मोमेंटम किया, तीसरी बार टच हुआ अपसाइड का मोमेंटम किया, चौथी बार भी टच हुआ अपसाइड का मोमेंटम किया, एक रेंज के अंदर एक ट्रेंड लाइन बना था। क्लियर है? आज के दिन क्या हुआ, ये तो क्लियर ट्रेंड लाइन का आपको लॉजिक समझ में आ गया। आज के दिन क्या हुआ, मिड कैप निफ्टी ने इसी ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया 12:10 पे। तो जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन टूटा और जब उसी सब अब तोड़ दिया एक बार, तो अब वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बन जाएगा ना। तो बिल्कुल बाद में मार्केट ऊपर भी गया था थोड़ा सा और रेजिस्टेंस यहां से लिया और इतना बड़ा फॉल मिड कैप निफ्टी में आज के दिन आ गया। तो मैं यही समझाना चाहता था कि ये अब बन चुका है एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन। तो कल अगर मार्केट प्लान बी पे यही इंक्लूड कीजिए, फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के ऊपर जाता है और जैसे ही ये रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को टच करता है, यहां से आपको लोअर लो बनता हुआ दिखा, तो हम पुट के तरफ जाएंगे। अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के ऊपर जाता है और टच करता है, यहां से एक बेयरिश कैंडल दिखा, तो पुट के तरफ जाएंगे। और ये इसका जो प्रॉपर लेवल है ये नहीं निकल सकता। आपको मैं जैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वैसे कर लेना है दोस्तों एंड देन वेट करना है कि जहां पे भी टच करके बेरिश सिग्नल दिखे तो हम पुट के तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया पूरे के पूरे दोस्तों प्लान बी? बाकी तो प्लान सी और प्लान डी सेम ही रहेगा मेरा, जो मैंने निफ्टी में बताया। गैप अप खुला तो सेल करना है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे दोस्तों रेजिस्टेंस भरा पड़ा है, और गैप डाउन खुला तो बाय करना है। अब चले जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो क्लियर है हमारा भाई व्यू। यहां पे भी देखो ट्रेंड लाइन का गेम है थोड़ा सा, क्योंकि यार मैं लेवल नहीं बता पाऊंगा, जहां पे बन नहीं रहा है तो जबरदस्ती नहीं बोल पाऊंगा आपको। तो अगर मैं बताऊं ट्रेंड लाइन का, प्लान नंबर ये ट्रेंड लाइन से ही शुरू होता है। एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया हूं, देखिए एक बार ट्रेंड लाइन टच किया, ये डॉट को कनेक्ट किया हूं, फिन निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम किया, दूसरी बार ट्रेंड लाइन को टच किया अपसाइड का मोमेंटम किया, तीसरी बार ट्रेंड लाइन को टच किया अपसाइड का मोमेंटम किया, चौथी बार ट्रेंड लाइन को टच किया अपसाइड का मोमेंटम किया। तो कल के दिन अगर फ्लैट टू लिटिल गैप डाउन खुला और इस यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट होके जैसे ही ट्रेंड लाइन टूट जाएगा 23,450 के नीचे अगर इस टाइप का प्राइस सेक्शन दिखने लग जाएगा, तो आप पुट के तरफ जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है आज के दिन 4 से 5 बार सपोर्ट लिया है, तो कल के दिन अगर ट्रेंड लाइन टूटना है तो हम पुट के तरफ जाएंगे। प्लान बी की अगर मैं बात करूं, रिस्की रहेगा बट कहीं ना कहीं फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुल के साइडवेज होके 23,536 आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिखा, तो कॉल के तरफ जाएंगे। क्योंकि प्रॉपर फिन निफ्टी में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया तो थोड़ा छोटे क्वांटिटी में कॉल ले सकते हैं, बाकी तो सेम है गैप अप और गैप डाउन पे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।